Assalamualaikum everyone. इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर का पार्ट सी, जिसमें हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपने टेंसेस की वीडियोस देख ली हैं, लेक्चर्स देख ली हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो पहले वो लेक्चर देख लें, उसके बाद यहाँ वापस आए। लेकिन इन शॉर्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसका मतलब है कि कोई काम होता रहा है, यानी कि इसमें हैज या हैव बिन और फिर वर्ब आ जाएगी आईएनजी के साथ। और क्या आ जाएगा? अच्छा, इसमें अक्सर, अच्छा अब जो पार्ट सी में हमें क्या कहा जा रहा है, हमें उन्होंने कहा है कि सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, आई हैव बिन स्टडियंग ब्लैंक 3 आवर्स। आई हैव बिन स्टडियंग, ये हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हैव बिन आ रहा है, हैव प्रेजेंट टेंस बता रहे, बिन स्टडियंग आई एन जी आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें क्या होता है, इसमें अक्सर हमने ड्यूरेशन या टाइम लिखना होता है कि कब से कोई काम हो रहा है। ठीक है कि अब मैं पढ़ रहा हूं 3 घंटों से। अब यहां पर या तो आएगा फॉर या तो आएगा सिंस। फॉर और सिंस में क्या डिफरेंस होता है? फॉर हम हमेशा हमेशा यूज करते हैं जब हमारे पास एक दौरानिया हो, यानी 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 दिनों से, 2 हफ्तों से, 2 सालों से, 20 सालों से। तो जब भी हम लिखते हैं कि कोई दौरानिया है, कोई टाइम ड्यूरेशन है, उसके साथ फॉर आएगा। और अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम है, जैसे 2 बजे से थर्सडे से दिसंबर से 2012 से, तो वो वहां पर आ जाएगा सेंस। ठीक हो गया। सेंटेंस नंबर 1 देखें, आई हैव बिन स्टडियंग 3 आवर्स। 3 आवर्स हमारे पास एक दौरानिया है, तो हम लिखेंगे फॉर। आई हैव बिन स्टडियंग फॉर 3 आवर्स। फिर है आई हैव बिन वॉचिंग टीवी 7 PM, कि मैं 7 बजे से टीवी देख रही हूं, तो यहां पर आएगा सिंस, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम है। उसके बाद है ताहिर हैजंट बीन फीलिंग वेल ब्लैंक 2 वीक्स। 2 वीक्स अगेन एक दौरानिया है, तो हम यहां पर कर देंगे फॉर। सारा हैजंट बीन विजिटिंग अस ब्लैंक मार्च, यानी मार्च एक पर्टिकुलर टाइम है कि जी मार्च से वो हमसे नहीं मिल रही, तो हम यहां पर कर देंगे सिंस। उसके बाद है नंबर 5, ही हैज बिन प्लेइंग फुटबॉल ब्लैंक अ लॉन्ग टाइम, तो इसमें हम कर देंगे फॉर। ही हैज बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे अरसे से वो फुटबॉल खेल रहा है। ये आपके फर्स्ट 5 सेंटेंसेस हैं। अब हम इसका नंबर 6 भी कर लेते हैं जल्दी से। हमारा आखिरी सेंटेंस है, ही हैज बिन लिविंग इन पेशावर ब्लैंक ही लेफ्ट स्कूल। अब जो ये लेफ्ट स्कूल है ना, ये हमारा एक पर्टिकुलर टाइम है कि तब से वो ये होने से वो पेशावर में रह रहा है, स्कूल छोड़ने से वो पेशावर में रह रहा है, तो हम यहाँ पर सिंस लिखेंगे, फॉर नहीं लिखेंगे। ये है आपका ग्रामर का पार्ट सी। अब हम करते हैं ग्रामर का पार्ट डी। ग्रामर के पार्ट डी में हमारे पास स्टेटमेंट है, आंसर दीज क्वेश्चंस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि इसका जवाब आपने लिखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि हैज हैव हैज या हैव बिन डूइंग वाले सेंटेंसेस यूज करने हैं। सिंस और फॉर इसमें आ सकता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ, व्हाई आर यू सो टायर्ड, कि आप इतने थके हुए क्यों हैं? आई एम सो टायर्ड बिकॉज आई हैव बिन वर्किंग फॉर आवर्स, मैं इतना थका हुआ हूँ क्योंकि मैं घंटों से काम कर रहा हूँ, करता रहा हूँ या कर रहा हूँ। अच्छा, फिर उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें उन्होंने सॉल्व करने के लिए दिया है वो है, व्हाई आर यू वेयरिंग जॉगर्स, आपने जॉगर्स क्यों पहने हैं? इसको लिख लें, आई एम वेयरिंग जॉगर्स बिकॉज आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग Since 1 PM, यानी कि मैंने जॉगर्स पहने क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ 1 बजे से। नंबर 2 हमें क्वेश्चन दिया है, व्हाई हैवंट यू फिनिश्ड योर वर्क येट, यानी आपने अपना काम अभी तक
खत्म क्यों नहीं किया, इसको कहते हैं आई हैव बिन ट्राइंग टू फिनिश माई वर्क, फिनिश FINISH माई वर्क फॉर आवर्स बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट। लें जी, यानी कि मैं काफी घंटों से इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर यू लुकिंग पेल, यानी तुम कमजोर क्यों लग रहे हो। आई एम लुकिंग पेल बिकॉज आई हैव बिन सिक फॉर 2 days, यानी कि मैं बीमार इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि मैं 2 दिन से, अच्छा मैं कमजोर इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि मैं 2 दिन से बीमार हूँ। ये 3 क्वेश्चन है। अच्छा आंसर्स आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, ये जो मुझे सही लगा आपको समझाने के लिए ये मैंने किया। अच्छा ये 3 है, अब हम नेक्स्ट 3 करते हैं। ग्रामर के पार्ट डी में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैजंट ही सीन यू फॉर सो लॉन्ग, यानी कि वो तुमसे इतने अरसे में इतने देर से क्यों नहीं मिला। तो हम लिख सकते हैं ही हैज बिन वर्किंग वेरी हार्ड सिंस अक्टूबर। रैंडम ही आंसर्स लिखते हैं, सिर्फ आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें ऐड करना है। आगे है व्हाई आर यू यॉनिंग सो मच, कि तुम इतने यॉन क्यों कर रहे हो, यानी कि तुम इतनी इसके लिए कोई वर्ड होता है जब आपको नींद आ रही होती है तो आप उबासियां ले रहे होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप क्यों ले रहे हैं। तो हम इसके कहते हैं आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 2 days, कि मैं 2 दिन से नहीं सोया इसलिए मुझे मैं यॉन कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। आगे व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तुम इतने मेहनत क्यों कर रहे हो। आई हैव बिन, व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, आई हैव बिन वर्किंग लाइक दिस since I was a child। लें जी, वो कह रहे आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो वो कह रहे मैं तो इसी तरह से काम करता रहा हूँ जब से मैं छोटा बच्चा था, मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ। तो आपकी मर्जी है, कोई भी रैंडम आंसर इसमें लिख दें। और अच्छा ये हैं आपके ग्रामर के पार्ट C और D, इसकी प्रैक्टिस करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।